नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स वर्ल्ड पर। और आज हम लेकर आए हैं बांकी लाल की एक गजब की कॉमिक्स जिसका नाम है बांकी लाल और पांडूत। तो बांकी लाल की आप पता ही होगा आप लोगों को, बहुत ही मज़ेदार कॉमिक्स रहती हैं बांकी लाल की। यहाँ हर पेज पे आपको हंसने का मन करेगा, हंसने का मौका मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों, तो और हंसते रहें, खुश रहें। तो हम शुरू करेंगे बांकी लाल की कॉमिक्स जिसका नाम है बांकी लाल और पांडूत। तो दोस्तों, बांकी लाल और विक्रम सिंह विशालगढ़ पहुंच गए हैं और उनके राज्य में उनके आगमन की खुशियां मनाई जा रही हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। भाई जोर से बोलो, राजा विक्रम सिंह और बांकी लाल की जय पराजय। बांकी लाल, देखी है सारी दुनिया, सीतापुर से लेकर रामगढ़, कपूरपुर से लेकर टीकमगढ़, ये है विशालगढ़, प्यारा विशालगढ़। लौट के हम पहुँचे हैं विशालगढ़, मुच्छण जहाँ होगा तेरा क्रियाकर्म हो, ओ ओ ओ है विशालगढ़, मोटे विशालगढ़ ही। द्वार पर आरती लिए खड़ा था आरती मंत्री भगत आरती सिंह। हो मैं तो आरती उतारूँ रे संतोषी राजा की, और इसी के साथ हम परंपरागत रूप से आपका महल में स्वागत करते हैं महाराज। इसके बाद निकलेगा आपका जुलूस। आरती मंत्री, बांकी लाल की भी आरती उतारो। उफ, ये कैसी आरती है, इसके धुएं से तो आंखों में मिर्ची लगने लगी है। आरती मंत्री, महाराज की आरती एक बार फिर उतारें, मज़ा आएगा। ही, मैं राजा विक्रम सिंह का राज सिंहासन तो ना हड़प सका, मगर अपना बदला मैं ऐसे ही लेता रहूँगा जैसे अब मैंने आरती की धूप में खूब मिर्ची मिला दी है। दोस्तों, ये जो बातें करते हैं, ये डॉट के निशान, ये मन में बोलते हैं कुछ लोग, कुछ ब्रैकेट में भी ऐसी चीज़ें आएंगी जो मन में बोलते हैं, ये कॉमेडी के लिए हैं। इसमें ये ज़ोर से नहीं बोली जाती हैं, ये जो पात्र बोलते हैं वो मन में बोलते हैं, तो आप लोग ध्यान रखें। आरती के बाद, महारानी जी दहलीज पर तेल चुहाकर महाराज व बांके का स्वागत करें। उड़ल उड़ल, मैंने इतना बड़ा तेल का बर्तन रानी के हाथ में दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि महारानी जी अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग करके बर्तन का सारा तेल दहलीज पर उड़ेल देंगी ही। और फिर इसके बाद मुझे ऐसा ही होने की पूरी उम्मीद थी ही। धम, महाराज आपके कदम महल में मनहूस पड़े हैं। उफ, अब बारी थी पुष्प वर्षा की। अरे कमबख्तो, थोड़े फूल तो बचा लो इस मनहूस की अर्थी पर फेंकने के लिए। महारानी जी, यह लीजिए जुलाब नामक यह पुष्प, 3 साल में एक बार ही खिलता है, और मैंने इस फूल से मन्नत मांगी हुई थी कि इस बार इसके खिलने पर अगर महाराज और बांकीलाल महल में लौट आएँ तो मैं इसकी वर्षा बांकीलाल व महाराज पर गमले के साथ ही करूंगी। अरे वाह, गमले वाला हिस्सा महाराज के सिर से ही टकराया, हाय मर गया तड़ाक। और महारानी को ऐसी मन्नत फूल से मांगने के लिए मैंने ही उकसाया था, ही। जय हो मेरी आह। बांके लाल, तुम क्यों चिल्लाए, फूल इतनी जोर से लगा है महाराज आह। मुझे क्षमा करें महाराज, मगर जो वायदा फूल से किया था वो तो निभाना ही था। बांके लाल, मैंने ठीक किया ना। वो तो ठीक है महारानी जी, पर गमला महाराज के सिर के मुकाबले बहुत छोटा था ही। मैं भी क्या करती बांके लाल, मुझे तो तुम्हारे सिर की फिक्र थी, कहीं गलती से गमला तुम्हारे सिर से न टकरा जाए। राज दरबार में आ पहुँचे विक्रम सिंह और बांके लाल। आपके जाने के बाद मैंने आसन किसी को छूने नहीं दिया महाराज, और आपकी वो टूटी चप्पलें मैंने इस पर रख दी आपके प्रतीक के रूप में, जिन्हें पहली बार पहनने पर आप फिसलकर गिर गए थे और आपकी नाक की हड्डी टूट गई थी। तुम्हारे जैसी रानी पाकर मैं धन्य हो गया महारानी, और मुझे एक ही अफसोस है कि महारानी जैसी 2-4 रानियाँ और क्यों ना हुई आपकी। आसन ग्रहण कीजिए महाराज। लेकिन यह क्या, चप्पलें हटाकर आसन ग्रहण करते ही विक्रम सिंह को होने लगी जबरदस्त खुजली। अरे महाराज क्या हुआ, खुजली वाले कुत्ते की तरह उछल क्यों रहे हैं। बांके लाल, सिंहासन पर बैठते ही खुजली होने लगी, पर उछलना तो सिंहासन को चाहिए। मेरा मतलब है महाराज, मुझे लगता है कि आप पिछले 2 वर्षों से नहाए नहीं हैं तभी खुजली हो रही है, और कितनी बदबू भी आ रही है। खुजली तो होगी ही, मैंने सिंहासन में पिस्सू डाल दिए थे ही। इधर जैसे ही बांके लाल ने आसन ग्रहण किया, बांके लाल तुम्हें भी खुजली शुरू हो गई, ये तो छूत का रोग है महाराज। चलो बांके लाल, पहले स्नानागार में चलकर स्नान कर लेते हैं, ठंडे ठंडे पानी से नहाकर ताजगी आ जाएगी, मैं जाकर व्यवस्था करता हूँ। फिर स्नानागार में, महाराज जल्दी कीजिए वरना मुझे उपकाई आ जाएगी। बांके लाल, हम दोनों एक साथ नहाएंगे। जी हाँ महाराज,
पर नाड़े को ऊपर कर लीजिए, कहीं पाँव में अटक कर खिंच गया तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। ओह शुक्र है कि स्नानागार में ताज़ा पानी भरा है, वरना मैं तो सोच रहा था कि मच्छर के यहाँ से जाने के बाद पानी भी नहीं बदला गया होगा और हमें कीचड़ में ही नहाना होगा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। देखा आखिर वही हुआ ना, उलझ गया ना पाँव नाड़े में, छपाक, ओह किट किट किट, भू बाकीलाल ये तो बड़ा ठंडा पानी है, भू। अरे रे रे ये क्या महाराज, आप तो बाहर आ रहे हैं, लोगों को आंखें तो बंद करने दो, भू आप बाहर आ जाइए महाराज, क्षमा करें महाराज, आप ही ने तो कहा था ठंडे ठंडे पानी से नहाकर ताजगी आ जाएगी, इसलिए मैंने पानी में 10 चिल्लियाँ बर्फ़ की डलवा दी थी। बाकीलाल मुँह तो तुम भी धो लो, शुक्र है मैं बर्फ से ठंडे पानी में नहाने से बच गया, ही। फिर स्नानागार से बाहर निकलने के बाद विक्रम सिंह ने आदेश दिया, महामंत्री जी प्रजा का हालचाल जानने के लिए अब हम एक जुलूस के रूप में नगर की गश्त पर चलेंगे, ऐसा ऐलान नगर भर में करवा दो। क्यों बाकीलाल कैसा विचार है? अति उत्तम महाराज, आपका जुलूस तो मुँह काला करके निकलना ही चाहिए। मैं तुरंत गधे की व्यवस्था किए देता हूँ और मैं अपनी व्यवस्था अलग से करता हूँ। श्रृंगार कक्ष, आओ बाकीलाल हम इकट्ठे ही तैयार होंगे। फिर जैसे ही बांके और विक्रम सिंह तैयार हो गए, बाकीलाल मैं कैसा लग रहा हूँ? वाह महाराज ऐसा लग रहा है जैसे उबले आलू के ऊपर ताज रख दिया हो, ही। किसी की नज़र न लगे महाराज को, इसलिए मैंने काला टीका लगाया है। मगर महारानी ये तुमने टीका लगाया है या टीकमगढ़ कोयले के खान की कालिक? बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला, ही। उनकी तैयारी के साथ ही तैयार था भोजन। वाह फलों को देखकर मेरी भूख भड़क गई है, जय रानी की जय राजा की, कड़ा थू थू। अरे रे बाकीलाल ये क्या किया, ये तो मिट्टी के बने सजावटी फल हैं, ही। बाकीलाल लगता है मेरे बदले तुम्हारी आंखों में बेकार आ गया है, असली कीड़ा लगे फल ये रहे, खाओ बाकीलाल शर्माओ नहीं, तुम्हारा ही महल है, ही। इधर नगर में मुनादी की जा रही थी, विशालगढ़ के वासियों को सूचित किया जाता है कि थोड़ी ही देर बाद राजा विक्रम सिंह की सवारी निकलेगी, अगर किसी ने बाहर झांकने की भी हिम्मत की तो, मेरा मतलब है नहा धोकर सवारी का स्वागत करने के लिए तैयार रहें, महाराज की सवारी निकलने वाली है, सवारी पर तो खूब मुद्राएँ लुटाई जाती हैं, मैं अपने बच्चों को बुला लाऊँ। पूरे नगर में ही मुनादी की जा रही थी, ऐलान किया जाता है, ऐलान किया जाता है, ऐलान किया जाता है, ऐलान किया जाता है, ऐलान हो गया, सुन लिया, अच्छा तो हम चलते हैं, ही। ढम ढमा ढम ढम, विशालगढ़ के निवासियों मैं चीख चीख कर अपना गला तो फाड़ने से रहा, नगाड़ी की आवाज़ में सुन सको तो सुन लो, ऐलान ये है कि राजा की सवारी निकलने वाली है, मर्जी हो तो देखने आ जाना, नहीं तो मेरे बाप का क्या जा रहा है, मुझे तो पूरी तनख्वाह मिल ही जाती है। पूरी सज धज के साथ तैयार था जुलूस, महामंत्री जुलूस कहाँ कहाँ से होकर गुजरेगा यह निश्चित कर लिया है ना? जी हाँ महाराज, जहाँ जहाँ पत्थर पड़ने की पूरी संभावना है, मेरा मतलब है महाराज कि नगर से होकर सबसे पहले जुलूस जाएगा राजगुरु के निवास पर, क्योंकि महाराज आपके लौट आने तक राजगुरु ने अन्न जल ग्रहण न करने की सौगंध खाई है और राजखर्च से बने फलों के बाग की कुटिया में भी तपस्या कर रहे हैं। ओह तो क्या वे अभी तक मरे नहीं? ठीक है हाथी पर सवार होकर हम पहले राजगुरु निवास ही चलेंगे, आओ बाकीलाल। बेचारा हाथी, लेकिन यह क्या, अरे हाथी को क्या हो गया? उई माँ, अरे भाई जोर से बोलो जय मोटे की, हाथी पर हाथी बिठा दिया, अब पूछते हैं क्या हुआ। गर्र महाराज लगता है हाथी पर वजन कुछ अधिक हो गया है, बाकीलाल तुम हाथी से उतरकर इस रथ पर आ जाओ, जब तक ये मोटा मेरी पीठ से नहीं उतरेगा मैं यहाँ से हिलूँगा भी नहीं, आखिर मैं भी एक हाथी हूँ। गर्र बाकीलाल तुम थोड़ा कम काया करो, अब देखो तुम्हारे वजन से हाथी आगे नहीं बढ़ रहा, दे तुझे भी देख लूँगा मच्छर। फिर एक एक करके नीचे उतरे महारानी बा उनका पुत्र भी, मगर हाथी तस से मस भी नहीं हुआ। तब बाकीलाल के कहने पर वहाँ लाई गई हथनी, जिसे देखते ही उठकर खड़ा हो गया हाथी। ओह ये तो कल्लू को ले आए, अब तो इज्जत का सवाल है, मुझे इस मोटे को लाद कर चलना ही होगा, वरना कल्लू शाम को राज उद्यान में मिलने नहीं आएगी। वाह बाकीलाल तुम्हारी योजना कारगर सिद्ध हुई, हाथी अब चलने के लिए तैयार है, माताश्री मैं भी हाथी पर बैठूंगा। जिद नहीं करते राजकुमार, महल वापस लौटकर अपने पिताश्री की सवारी कर लेना।
मगर मैं पिताजी को गन्ना कैसे खिलाऊंगा, उनके सूंड तो होगी नहीं, एक सूंड की ही तो कमी है मोटे में, ही। इस प्रकार रवाना हुआ जुलूस। भाई जोर से बोलो, महाराज विक्रम सिंह जिंदाबाद, बांके लाल चिंगाड़ चिंगाड़। ओह, मेरा नाम पुकारे जाते ही ये हाथी चिंगाड़ पड़ा और किसी ने मुझे जिंदाबाद नहीं कहा, देख लूँगा इस हाथी को भी। नगर से गुजरी राजा की सवारी, लेकिन अरे यहाँ हमारे स्वागत के लिए केवल यही एक बुढ़िया खड़ी है, अरे कोई रोको इसे वरना ये हाथी के तले आ जाएगी। कहाँ है महाराज? आहा, मुझ बुढ़िया की तो आंखें भी रो रो कर अंधी हो गई हैं। यह वही जगह है जहाँ मैंने सबसे जोर कर नगाड़ा बजाकर मुनादी की थी। हे माता, तुम्हें जो कुछ कहना है कहो, मैं हूँ राजा विक्रम सिंह, ही। अरे नाच पीठे, जरा उतर तो नीचे मुझे, एक बार पहले भी तूने मुझे माता कहा था और मुझसे वायदा किया था कि अपनी पांच बहनों यानी मेरी पुत्रियों के विवाह का सारा खर्चा तू उठाएगा, पर तेरा सत्यानाश जाए मोटे, वायदा करके कहाँ गायब हो गया था तू? मुझे तुझे कीड़े पड़े, खर्चे के कारण मेरी पुत्रियों का विवाह ना हो सका और वो पांच लकड़हारे भाइयों के साथ घर से भाग गईं। बूहू, अरे रोती क्यों है, मेरी सूंड से होकर ऊपर चढ़ जा और पीठ मोटे को। तेज में आ गई रानी स्वर्णलता भी। क्यों री बुढ़िया, मेरे मोटे ने क्या तेरी पुत्रियों को ब्याहने का ठेका लिया था? महामंत्री जी, इसे फौरन हाथी के पांव तले कुचलवा दो, ये अपने आप को समझती क्या है, राजा से बात करने की तमीज ही नहीं है इसे। वैसे तो यही तमीज है इस मोटे से बात करने की, ही। कमबख्त हाथी पर न चढ़ा बैठा होता तो आज जरूर इस बुढ़िया के हाथों पिटता मुच्छा। अरे बाप रे, भागो, मेरी पुत्रियों का विवाह तो राजा ने पहले ही कर दिया था, मैं तो अपने मोटे राजा को ठगने की सोच कर आई थी। पकड़ो बुढ़िया को, चल छोड़, जाने दे। नहीं, मैं तो पकड़ूंगा फिर छोड़ दूंगा, ही। सवारी आगे बढ़ी, तभी राजा विक्रम सिंह तानाशाही, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, राजा विक्रम सिंह शरम करो शरम करो, हाय हाय। ये मुझे शरम करने को क्यों कह रहे हैं, मैंने वस्त्र धारण तो कर रखे हैं। महारानी जी, मेरे विचार में रथ को तुरंत महल वापस ले चलना चाहिए, महाराज पिटने के लिए, मेरा मतलब इस समस्या के हल के लिए यहाँ मौजूद ही हैं ही। तभी ओह, ये पत्थर किसने मारा? मैंने, कर ले क्या करेगा, ही। मैं तो राजा की सवारी पर पत्थर जरूर फेंकता हूँ, हमें न्याय चाहिए महाराज। महाराज, आपके जाने के बाद राज्य में घोर अव्यवस्था फैल गई है, अनाज की उचित दर दुकानों से अनाज गायब करके उसकी कालाबाजारी की जा रही है। क्या सेनापति मरकप, ये हम क्या सुन रहे हैं? मत सुनिए महाराज, क्योंकि ये सब मेरे ही आदेश के कारण तो हो रहा है। मेरा मतलब है महाराज कि आपके जाने के बाद चूहे तक भी मेरी बात नहीं सुनते थे और गोदामों में रखा सारा अनाज चट कर जाते थे, इसलिए मैंने सोचा था कि विशालगढ़ के सिंहासन पर कब्जा करके जब मैं राजा बन जाऊँगा तो सबको ठीक कर दूँगा। फिर ठीक है, आप सब तुरंत उचित दर दुकानों पर जाकर पंक्ति लगाएं, हम महल पहुंचकर अनाज गोदामों में भिजवाते हैं और मैं चूहे, ही। भीड़ राजा विक्रम सिंह की जय जयकार करती लौट गई। इसी बात पर जोर से बोलो, जय खड़ूस की, जय मुच्छड़ की, जय मोटे की, जय खोटे की, जय विक्रम की। अरे मगर मनहूस मुच्छड़ को पत्थर तो पड़े ही नहीं, ठहरो भाइयों, रुक जाओ, ये तो अच्छी बात नहीं है, एक आध आँख तो फोड़ते जाओ। और फिर आगे बढ़ा जुलूस। मेरी कल्लू बार बार मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है, ही। हाय मैं मर जावा, निगोड़ा कैसे दीदे फाड़ फाड़ कर देख रहा है। अपने घरों की छतों से नागरिक राजा की सवारी पर बरसाने लगे फूल। मगर मैं रानी मक्खी आदेश देती हूँ, जो सबसे ज़्यादा पतला लगे उसे डंक मारना। उफ, ये मधुमक्खियाँ कहाँ से आ गईं? बांकेलाल, केवल उन कुछ फूलों में ही मधुमक्खियाँ भरी हैं जो तुम पर और महाराज पर फेंके जा रहे हैं, ही। और जैसे बरसा रहे हैं मेरे आदमी। हाँ, ये रहे दो मानव, इन्हें ही डंक मारना, ही। आई काटा। बांकेलाल चाचा, हिलना नहीं, एक मक्खी अभी भी आपकी नाक पर बैठी है, अभी तलवार से काटता हूँ। ई मधुमक्खी, क्या हुआ महारानी? कुछ नहीं महाराज, बस जरा कुछ मधुमक्खियों ने काट लिया था। वाह, मधुमक्खी के काटे का भी रानी पर कोई असर नहीं हुआ। अरे मगर रानी क्यों नहीं सूझी? रानी मक्खी, महारानी की मधुमक्खी ने नहीं, मधुमक्खी ने सिर्फ पप्पी ली है, मगर एक को तो हमने सजा ही दिया है। बांकेलाल, मधुमक्खी ने तुम्हें भी तो काटा होगा, ही। आप तो जानते ही हैं महाराज कि बांकेलाल को दर्द नहीं होता। आह, बूहू, दर्द के मारे मेरी जान निकली जा रही है, मगर महारानी को दर्द क्यों नहीं हुआ? बूहू।
और अगर ऐसे में मैं दर्द से चिल्लाऊंगा तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और रानी की बहादुरी की प्रशंसा करेंगे। तभी तो हम तुम्हारी हिम्मत व बहादुरी की कद्र करते हैं बांकीलाल। अबे ओ, मेरा मतलब है महाराज, राजगुरु निवास आ गया है। अब तुम, मेरा मतलब आप, कुछ देर के लिए नीचे उतर आएँ। तब तक मैं हंडोले में चींटियाँ छोड़ने का इंतजाम करता हूँ। चलो, थोड़ा मैं भी कल्लू से नैन मटक का कर लूँगा। इधर राजगुरु भूखाचार्य के निवास में। अजी, मैंने कहा सुनते हो, कहाँ मर गए? ओह, मेरी अर्धांगनी कोप माया मेरे भोजन की ठीक समय पर आ गई। आ जाओ भगवान, आ जाओ। अरे मगर यह क्या, भोजन कहाँ है? पिछली मार भूल गई जब भोजन लाने में देरी हुई थी। अजी, मैंने कहा भोजन को मारो तीर, महाराज विक्रम सिंह लौट आए हैं और कुछ ही क्षणों में भी आपके दर्शन के लिए पधार रहे हैं। क्या, वो मोटा बक्कू लौट आया? यह तो अनर्थ हो गया। मैं तो सोच रहा था कि महाराज अब नहीं लौटेंगे और मेरी त्याग भावना से प्रभावित होकर राज्य की प्रजा एक दिन मुझे ही अपना राजा घोषित कर देगी। अरे अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरे थोबड़े को क्या निहार रही है? जल्दी से जा, चिड़िया का घोंसला लाकर मेरे सिर पर रख दे। अभी लाई जी। और फिर, अरे महाराज आप, प्रणाम महाराज, प्रणाम। राजगुरु कहाँ हैं? हम तुरंत उनके दर्शन करना चाहते हैं। महाराज का थोबड़ा देखकर आखिर आज राजगुरु का प्रण टूट सकेगा? आह, दर्द के मारे मेरी अभी भी जान निकली जा रही है, मगर रानी को दर्द क्यों नहीं हुआ? कोप माया उन्हें लेकर पहुंची राजगुरु के समक्ष। ची ची, मैं तो रस्ते से जा रही थी, मैं तो ठुमका लगा रही थी, गीत को गा रही थी, तेरी नानी मरी तो मैं क्या करूँ, ची ची ही ही ही। उफ, ओह, राजगुरु के सिर पर तो चिड़िया ने घोंसला बना रखा है। विचार तो चींटियों की बाम्बी का था महाराज, मगर चींटियों द्वारा काटे जाने के डर से फिर हमने घोंसला ही तय किया। मेरा मतलब है महाराज कि राजगुरु का सख्त आदेश था कि उनकी तपस्या को महाराज के अलावा कोई दूसरा भंग ना करे। राजगुरु की तपस्या टूटने के बाद वे आप ही के हाथों से फल का सेवन कर अपना व्रत तोड़ेंगे। आह राजगुरु, आपको इतना कठोर व्रत लेने की क्या आवश्यकता थी? देखिए कितने दुर्बल हो गए हैं आप। जी हाँ महाराज, आपसे भी ज़्यादा। और यहाँ तो यह भी पता नहीं चल रहा कि दाढ़ी कौन सी है और झाड़ी कौन सी। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। कल इसी के अगले पार्ट के साथ अपन मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तो वीडियो को देखते रहें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला पार्ट आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।